गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस जनों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस की चित्र प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, जिसके बाद बोस को याद करते हुए एक एक कर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बलिदान पर प्रकाश डाला गया। आज हमारे देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। हमने यहाँ गांधी भवन में सभी कांग्रेस जनों के साथ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करा और उसके पश्चात नेताजी के चित्र पर भी माल्यार्पण करा। देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उस समय जो आवश्यकता थी, उस समय दो दल थे, गर्म दल और नरम दल, तो सुभाष जी ने यह आवश्यकता महसूस करी कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ कुछ युवाओं को जोड़ने के लिए, पूरे देश के युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने के आवश्यक हैं। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और वो जापान गए। जापान में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जबकि पूरी दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी, तो उन्होंने वो समय सुनिश्चित किया कि अभी लोहा गर्म है और इस समय वार कर देना चाहिए। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन करके और अंग्रेजों पर दबाव बनाया। उन्होंने जो नारा दिया उसका पूरे देश ने पालन किया। उनका एक नारा भी था युवाओं के लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा और देश के सारे नौजवान सुभाष चंद्र बोस के साथ हो गए और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। तो आज ऐसे हम महापुरुष को हम याद कर रहे हैं और हम यह प्रण लेते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और युवाओं को आगे बढ़ाया, कांग्रेस जन भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम आने वाले समय में युवाओं को भी आगे बढ़ाएं और देश हित के काम करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।